ऑल राइट, सो है गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रही हमारी फ्यूरी और आज हम लोग जा रहे हैं अपना मॉडिफिकेशन का एक और पार्ट पूरा करने के लिए, जो कि था लाइटिंग। जो मैंने बता के रखा था कि अभी मैं लाइट लगाने वाला हूँ, बहुत बोलते ना, बहुत क्लासी लाइट है, सॉर्टेड, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही यार। मैं बहुत पसंद आई थी वो लाइट और मैं कब से ढूंढ रहा था, लिटरली इतना मुश्किल से मेरे को लाइट मिली है ना। वो कहाँ से मिली वो तो मैं आपको पता ही चल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में तो डाल ही देता हूँ हर चीज़, तो आप लोग भी उधर से ऑर्डर कर सकते हो। और आज फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया, तो पहले जाके फटफट उसको फिट कराते हैं, यानी कि इंस्टॉल करा देते हैं। और उसी के साथ साथ मैं फ्लैशर अभी तक इसमें लगाया नहीं था एक्चुअली, क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी थी कभी, क्योंकि इसमें वैसे ही 1000 लाइट है, तो फ्लैशर का मैंने कभी सोचा नहीं था। बट आज मैं फ्लैशर भी इंस्टॉल कर देता हूँ और साथ ही साथ वो लाइट भी इंस्टॉल कर देता हूँ। तो क्या लाइट रहेगी ना, वो तो थंबनेल से भी पता चल गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो थंबनेल में रखने वाला हूँ, वो मेरे को पता है। तो आप लोगों को तो थंबनेल से ही पता चल गया रहेगा। अभी जा रहा हूँ पहले मदर भाई के पास जाता हूँ, क्योंकि वो वायरिंग और मगजमारी का काम जो रहता है ना, मगजमारी से पता है ना, जो दिमाग हटा दे वो सब काम मदर भाई से ही करा लेता हूँ, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज है इसमें, तो वो फटफट कर ही लेते। अभी देखते हैं कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने पूरी बाइक ऑलमोस्ट लोड हो चुकी है, बस अभी एक लाइट बाकी है। लाइट लगाने के बाद सब सॉर्टेड हो जाएगा और जो बाइक का लुक आएगा ना, क्योंकि वो लाइट इसके लिए मैं लगा रहा हूँ क्योंकि उसके आगे भी मैंने कुछ सोच के रखा हूँ, तो वो लाइट उसको प्रॉपर सूट करने वाली है, इसी हिसाब से वो कर रहा हूँ मैं। बाइक चलाने में जो मज़ा आती है ना यार, ये जो लुक लगता है ना सामने का, ये विंगलेट नहीं आप इसे बोल सकते हो ना, ये जो मिरर लगाया मैं, भाई मेरे को इतना पसंद आने लगे ना, उसका लगता है हाँ मिनी H2 है हमारे पास। चलो आ गए, इधर लगा लेते पहले। ऑलराइट, सो लो गाड़ी लग गई हमारे पैडॉक पे, और ये लाइट के बारे में बात कर रहा था मैं, और ये फ्लैशर जो मैं पीछे के इंडिकेटर भी चेंज कर रहा था, फ्लैशर डाल देता हूँ क्योंकि इसमें बस पार्किंग लाइट है और मेरे को थोड़ा अलग चाहिए था, तो फ्लैशर भी डाल रहा हूँ। और ये लाइट इतना क्लास दिखने वाली है ना गाइस, सच में बोल रहा हूँ। अभी देखते हो तो क्या है काम, क्योंकि इसमें कुछ भी काम करना है ना, तो पहले पूरा फेयरिंग वही सबसे ज़्यादा हार्ड टास्क है इसके अंदर। लाइट लग गई हमारी, ये देखो, ये हमारे इधर स्विच दिया उसको, और अभी इतना नहीं दिखेगी तुम लोग को, बाइक जब वॉश कराऊंगा तो रात में दिखाता हूँ अभी ये सब। चलो बड़ी मशक्क़त के बाद फाइनली सब काम हो गया और गाड़ी बहुत गंदी हो गई अभी, और अभी सोच रहा हूँ वॉश कराओ, लाइट दिखाओ, उससे अच्छा मैं सोच रहा हूँ पहले सीधा घर जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गंदी भूख लग रही है अभी, और शाम में ही निकलता हूँ, तभी आपको लाइट भी दिखाता हूँ, गाड़ी भी वॉश करा लूँगा तब, क्योंकि अंधेरे में ज़्यादा अच्छे से लाइट आपको दिखेगी। हाँ बाकी इतना मस्त दिखने वाली है ना, अभी आपको तो दिख ही जाएगी वो।
ओवरऑल अभी जैसे देखा तो पूरा काम तो हो गया अभी बाइक में, अभी कुछ नहीं बचा है। और जो छोटा मोटा है वो भी शायद मैं एक दो दिन में ही कर दूंगा, तो अभी कोई काम तो बचेगा नहीं। थक गया यार लिटरली, कल पूरी रात नहीं सोया और आज सुबह मैं राइड करके आया और अब भी आके ये सब किया हूँ। पूरा एनर्जी डाउन हो गया। इसके लिए भी पहले सोना सही, खाना खाता हूँ, मैं सो जाऊँगा, फिर शाम में उठ के बाइक भी वॉश करा लेंगे और आप लोगों को लाइट भी दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि भाई अभी सीधा शाम में मिलता हूँ, फिर बाइक वॉश कराने जाएंगे और फिर आपको रात में दिखाता हूँ कि मैंने क्या ये लाइट कैसे दिख रही है करके। तो अभी पहले बाइक वॉश करा लेता हूँ क्योंकि भाई बहुत गंदी हो गई थी बाइक, पहले वॉश करा लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को जो है थोड़ा अंधेरा, तब तक बाइक वॉश होने तक तो अंधेरा भी हो जाएगा। तो जैसे अंधेरा होता है आप लोग को लाइट कैसे दिख रही है, क्या क्या उसमें मोड है वो भी दिखा देता हूँ आपको। चलो चलो बाइक सेट हो गई, अब एक बार वॉश कराते हैं। थोड़ा ध्यान देके वॉश कराना पड़ेगा क्योंकि ये लाइट अगर प्रेशर से निकल गई तो आज के आज ही स्कैम हो जाएगा इसका, और ऐसा लग तो नहीं रहा है ये निकलेगा। ये अभी हम लोग पहले टेप लगा रहे क्योंकि लाइट के ऊपर प्रेशर से निकल ना जाए, इसके लिए मैं हमेशा इधर आता, बेचारा अपने खुद की बाइक समझ के वॉश करता है। तो चलो बाइक हमारी वॉश होके आ गई है और अभी क्या ही दिख रही है ये, और अभी आप लोग को इसकी लाइट दिखाता हूँ। पहले एक सॉर्टेड सा प्लेस देखते हैं जहाँ पे आपको इसके लाइट के बारे में बताता हूँ। वहाँ पे देखते टेस्ट करके, आप लोगों ने देखा क्या लाइट का सेटिंग कैसे किया, मैं बता देता हूँ आप लोग को। इग्निशन ऑन करने पे ये अलग पैटर्न लगेगा, ये ब्लिंकर वाला है, ये वेव्स वाला है। और मैंने आप लोग को दिखा देखो मैं इसका सेटिंग कैसे किया है। इधर से मैंने यहाँ पे स्विच दे के रखा है, ये देखो ये स्विच है, यहाँ पे स्विच बंद करूँगा लाइट बंद रहेगी, और जब मुझे चाहिए बस तभी ये रहेगा। ये वेव्स यार, वेव्स वाला पैटर्न बहुत सही लगा मेरे को। हाँ सो आप लोग बताओ आप लोगों को कैसे लगा, शुरू को थोड़ा और चालू रखते कुछ और पैटर्न आ गया तो। सो आप लोग बताओ आप लोगों को कैसे लगी ये लाइट, मेरे को तो बहुत क्लासी लगी है ये, क्योंकि लिटरली यार कुछ नया देखा। मेरे को नहीं लगता कोई RR में ऐसी लाइट लगी रहेगी, इसके लिए मेरे को तो अपनी RR वन एंड ओनली लग रही है इसमें। हाँ बस दिल खुश हो गया। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया मिला होगा देखने के लिए। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मुझे कमेंट में बताओ ये लाइट कैसे लग रही है आप लोग को, क्योंकि आई थिंक ये सबको अच्छी ही लगने वाली है क्योंकि मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय डू लाइक शेयर कमेंट, और आप चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।